नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड वैक्सीन और भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिल गई है। हाल ही में दोनों वैक्सीन को ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने मंजूरी दी है। जल्द ही अब देश में वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। कोवैक्सीन को 12 साल से ऊपर के बच्चों को दिए जाने की इजाजत है। वहीं सीरम इंस्टीट्यूट में बनी कोविशील्ड 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ही दी जाएगी। भारत बायोटेक ने फेज 2 में 12 से 18 साल के बच्चों पर भी वैक्सीन का ट्रायल किया था। इसके आधार पर DCGI ने क्लिनिकल ट्रायल मोड में इमरजेंसी हालात में वैक्सीन के सीमित इस्तेमाल की मंजूरी दी है और इसमें 12 साल या इससे ऊपर के बच्चे ही शामिल हैं। कोवैक्सीन और कोविशील्ड में से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड को प्राथमिकता दी गई है। इसे 18 साल से ज्यादा उम्र वाले लोगों को दिया जाएगा। भारत में कोरोना के मामले बीते कुछ दिनों में लगातार कम हुए हैं। एक समय 24 घंटे में 70 से 80 हजार नए केस आ रहे थे, जो अब 20 हजार से कम है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज जो आंकड़े दिए हैं उसके मुताबिक पिछले 24 घंटों में कोरोना के 16,504 नए मामले सामने आए और इस दौरान 214 मरीजों की मौत हुई, जिसके बाद देश में कोरोना के कुल मामले 1,03,40,469 हो गए हैं। अभी तक देश में कोरोना से ठीक हो चुके मरीजों की संख्या 99,46,867 है। कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या इस समय 2,43,953 है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।